दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। वासुदेव जगानी जी, वासुदेव जी, देवनानी जी, जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आपके कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ बातें तो आ गई हैं आज शहर के अंदर। शॉर्ट एंड स्वीट, 11 बजे से सुन रहा हूँ तो 5 मिनट तो लूंगा ही। आगे 5:30 बज रहे तो 5 मिनट अध्यापक हूँ इन्हें आपके सामने बात इतना मौका 6 मिनट सुनने का तो दो। बोलिए, ज्ञान वर्धन किया आपने। सबसे पहला, या सुबह से शाम तक अजमेर शहर के अंदर लोग हमारे यहाँ राशन कार्ड लेकर के चक्कर काटते हैं कि हमको राशन चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि APL वाले जिसके पास भी राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सबको एक गेहूं का आप उपलब्ध कराएंगे तो शहरों में जितने भी शहर हैं सबको बहुत बड़ा लाभ होगा। चाहे आप उसके लिए 1 रुपया 2 रुपया 5 जो आपको लेना हो, एक गेहूं उपलब्ध कराएं, ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और यदि आप कहते हैं प्रशासन को करो, अजमेर प्रशासन के बारे में बहुत नहीं कहना चाहता, आप अपने स्वयं के स्तर पर मॉनिटरिंग करें। सेवा या चिकित्सा मंत्री की सेवा के अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं, फोन तक नहीं उठता है। 181 फोन मैंने किया, वो नहीं उठता। केकड़ी के अलावा कहीं कोई ध्यान नहीं है। मैं DMFT का पूरा पैसा केकड़ी ले गया, हमारे JLM देखता रह गया। तो इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं मॉनिटरिंग करें, अजमेर को केंद्र शासित मुख्यमंत्री। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो मॉनिटरिंग अजमेर में गेहूं के लिए, बाकी चीजों के लिए आप स्वयं अपने स्तर पर करें। दूसरा, जिस तरह कर्नाटक सरकार ने जो कमजोर वर्ग के खाते में 5,000-5,000 रुपए डाले, यूपी सरकार ने डाले, आप भी नाई और इन सबके खाते में, धोबी इन सब में 5,000 रुपए का पैकेज आप केंद्र से भले ही मांगो, लेकिन हमारे लोगों को भी आप राजस्थानियों को भी पैकेज दो। नंबर 3, जो प्रवासी हैं उसमें जो लोग अपने व्हीकल से आना चाह रहे हैं उनको आने में अच्छी अनुमति दें, और या फिर अपने बस लेकर आना चाहें उसको आप अनुमति दें, और बाकी जो श्रमिक हैं उनको रास्ते में खाने पीने की प्रशासन स्वयं लगाए तो शायद ठीक होगा। और नंबर 4, जो हमारे चिकित्सा मंत्री बैठे हैं, आज JLN हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। वहां पर आप चाहे सफाई देख लें, चाहे टॉयलेट देख लें, और कल तो प्लास्टर गिरा है, जो कोरोना मरीज है उनके बेड पे आके गिरा है, कोई घायल नहीं हुआ, या फिर सबका सौभाग्य है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति बड़ी JLN हॉस्पिटल की दयनीय है, उस व्यवस्था को सुधारे। सफाई में मैं 2-3 बार प्रश्नों से मिल चुका हूँ, किसी का ध्यान नहीं है, उस पर लड़ाई जाए। नंबर 5, कि हमारे प्रशासन और डॉक्टर्स की लड़ाई चल रही है, यानी कल ही डॉक्टर्स ने काले झंडे दिखा करके जो काम किया है वो पीड़ा दायक का बुला के जो हल निकालना है आप अपने स्तर पर उसका हल निकाले, सब अपने मनोयोग से काम कर सकेंगे। और दूसरा, कृषक कल्याण कोष की बात हो गई, 2% आप हटाएं। और दूसरा मेरा ये, 2000 डॉक्टर्स की बात कही थी वो नहीं हुआ। 3 महीने तक मेरे जो है अपने स्कूलों के बच्चों की, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की फीस, ये बड़े कार्य नाम नहीं काटेंगे, लेकिन आज भी नोटिस जा रहे हैं, पेरेंट्स जो है बड़े परेशान है, उसके लिए आदेश कठोरता से उस पर लागू करें। बिजली पानी के बिल जो है वो 3 महीने के लिए माफ किए जाए। और एक मिनट, मैंने कहा मैं 6 मिनट से 5.5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, अभी 4 मिनट ही हुए। और इसलिए मैं आपसे एक आग्रह और करूंगा कि सब्जी और दूध वाले में टेस्ट कोरोना का जरूर कराएं, क्या जितने आ रही है अजमेर में, जिसको चाहे वो सब्जी का धंधा शुरू कर दिया है उसके कारण कोरोना बढ़ सकता है। अंत में आपसे एक बात करूं, जो MLA फंड है उसका 50% आप मेडिकल में ले लें, 25% पानी के लिए रखें, 25% खाद्य सामग्री लोगों को देने के लिए सुविधा को इसमें रखेंगे तो एक लाभ होगा। अंत में आपके मंत्री महोदय सब बैठे, आप भी बैठे, हाथ जोड़ के कहूंगा, कम से कम जब तक कोरोना महामारी है प्रधानमंत्री की आलोचना ना आप करें ना कोई मंत्री करे, ये राजस्थान और राजस्थानियों का बहुत बड़ा आयत होगा। इन्हें आप सब चंडीगढ़ में राजनीति बाद में करेंगे, विधानसभा में करेंगे, लोकसभा में करेंगे, उसके कारण चिकित्सा मंत्री उससे मांग रहे हैं करें, ये आप हाथ जोड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।